आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पास इतना पैसा था कि आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि हर साल उसके अरबों रुपए चूहे कुतर देते थे। वैसे तो दुनिया भर में क्रिमिनल्स की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, कोई हत्यारा तो कोई चोर। इस धरती पे एक से बढ़कर एक ऐसे खतरनाक क्रिमिनल है जो किसी न किसी रीजन से दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज की इस वीडियो में उसी खतरनाक क्रिमिनल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल कहा जाता था। इस अपराधी का नाम था पॉलवो एस्कोबार। साल 1993 में इसकी मौत हो गई थी। एस्कोबार को किंग ऑफ कोकीन भी कहा जाता था। उसका दावा था कि कोलंबिया के सभी नेता उसकी जेब में रहते थे, मतलब उसने अपने पैसों से उन सबको खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1989 में एक रिपोर्टर ने पॉलवो एस्कोबार को दुनिया का सातवां सबसे अमीर इंसान अनाउंस कर दिया था। उसकी एस्टिमेटेड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, यानी आज के हिसाब से करीब 2,24,406,250,000 इंडियन रुपीस बताई गई थी। ओ माय गॉड। उसके पास अनगिनत लग्जरी गाड़ियां और सैकड़ों घर थे। पॉलवो एस्कोबार का एक इंसिडेंट काफी फेमस है। कहते हैं कि साल 1986 में उसने कोलंबिया की पॉलिटिक्स में एंटर करने का ट्राई किया था। इसके लिए उसने देश के 10 बिलियन डॉलर राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने का ऑफर दिया था। इसके अलावा उसका एक और किस्सा ये भी है, एक बार वो कहीं सफर पे जा रहा था, रास्ते में उसे ठंड लगी तो उसने गर्मी के लिए 2 मिलियन डॉलर जला मारे। पॉलवो एस्कोबार को कोकीन का अब तक का सबसे चालबाज सौदागर के अलावा हिस्ट्री का सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल क्रिमिनल माना जाता है। यहाँ तक कि अमरीकी सरकार भी उससे परेशान हो गई थी क्योंकि उसने पूरे अमेरिका में अपने कोकीन का बिजनेस फैला रखा था। पॉलवो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार के अकॉर्डिंग सिर्फ पैसों की गड्डियों को बांधने के लिए वो हर हफ्ते $1,000 का रबर बैंड खरीदता था। कहते हैं कि वो अपने कैश की गड्डियों को अपने वेयर हाउस में रखता था जहाँ हर साल उसकी इनकम का $1 बिलियन चूहे खा जाते थे। कहते हैं कि पॉलवो ने कोलंबिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक ही प्रिंसिपल अपना रखा था, या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ। उसने ऐसे ही कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। पॉलवो के इसी क्रूर नेचर और अपना दबदबा कायम रखने के चक्कर में उसके कई दुश्मन बन गए थे। कहते हैं कि उसकी वजह से ही कोलंबिया दुनिया का मर्डर कैपिटल बन गया था। देश में लगातार टकराव के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पॉलवो एस्कोबार पर कई बार ये आरोप भी लगाया गया कि 19 अप्रैल आंदोलन के लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं, जिन्हें M19 भी कहा जाता है, उसने साल 1985 में कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और उन्हें पॉलवो ने ही लीड किया था। इस हमले में अदालत के आधे जजों की मौत हो गई थी। हालांकि पॉलवो एस्कोबार कोलंबियाई गवर्नमेंट और अमेरिका के लिए जहां एक दुश्मन था, वहीं कोलंबिया के शहर मेडेलिन में वो किसी रॉबिन हुड से कम नहीं था। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट और कई पब्लिक एक्टिविटीज के थ्रू ऑलवेज गरीबों में पैसा बांटता रहता था। मेडेलिन के गरीब लोगों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था। 2 दिसंबर 1993 को गोली लगने से पॉलवो की मौत हो गई, लेकिन इसको लेकर भी कई कंट्रोवर्सी हुई। कई लोग मानते थे कि पॉलवो की मौत कोलंबिया पुलिस की गोली से हुई थी, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उसने सुसाइड किया था। पॉलवो के ऊपर कई बुक्स लिखी जा चुकी और कई मूवीज भी बन चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। ये थी दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। अगर YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और Facebook पे देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।